हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह अभी गार्डन में टहलने के लिए आ गई हूँ और देखो कितने फ्लावर्स हमारे गार्डन में लगे हैं। नींद के उठने के बाद, मेडिटेशन के बाद मैं आज सीधा गार्डन में ही आ गई हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा सा गार्डन का सैर आपको भी करा दे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी पालक लगी है। आज मैं पालक के पराठे बनाऊंगी, पर आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि आज मुझे कटिंग का वीडियो दिखाना है। इसीलिए आज कटिंग के लिए कस्टमर आने वाले हैं, कल फ़ोन करके बताया था, तो मैं आज कटिंग शेयर करूंगी। देखो फ्रेंड्स, कितनी सुंदर पालक लगी है यहाँ पे। ये बिना फर्टिलाइज़र की, केमिकल की, बिना केमिकल की है और ये बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। आप भी ऐसी बोरी में 20 रुपए का पॉकेट ला के पालक उगा सकते हो और घर में ही बिना केमिकल वाली सब्जी खा सकते हो, हेल्दी फूड्स। तो आज दोपहर का टाइम हो गया है, मेरे काम भी ख़त्म नहीं हुए क्योंकि टेरेस का थोड़ा काम किया आज और नीचे का, ऊपर का, मेरा घर का भी काम बहुत होता है, 6-7 रूम का। वो क्लीनिंग करने के बाद अभी मेरे बाल भी नहीं बनाए, सिर्फ नहाना हो गया है, तो कस्टमर आ गए हैं। तो मैं आज बनाऊंगी मल्टी लेयर कट। इस कस्टमर की करनी है। इन्होंने कल ही मुझे फ़ोन पर बताया था कि दीदी मुझे मल्टी लेयर कट करनी है और मैं दोपहर में आ जाऊंगी। तो अभी करीब दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं। मल्टी लेयर कट करने के लिए थोड़े से लॉन्ग बाल होना ज़रूरी है। ये लॉन्ग बाल वाली ही कटिंग है। अब मैं इसे पहले यू शेप दे दूंगी। यू शेप देने के बाद इस पर मल्टी लेयर कट बनाऊंगी। अब मैंने ये अच्छे से गीले करके बाल कंघी कर लिए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा अच्छे से सेट नहीं हुआ है, पर आगे इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद मैं सेट कर लूँगी। अभी ऐसा ही सेट है और ऐसी ही कटिंग आपको देखनी पड़ेगी, फिर भी आपको समझ में आ जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैं कस्टमर के ऊपर डायरेक्ट वीडियो बनाती हूँ कटिंग के। आगे मैं मेकअप के, फेशियल के सभी बनाऊंगी, पर कोई कोई कस्टमर फेशियल का नहीं दिखा देते हैं, इसलिए मैं दिखाती नहीं, किसी किसी को पूछ के दिखाऊंगी आगे और मेकअप भी दिखाऊंगी। तो आप ध्यान से देखिए मैं कटिंग कैसे करती हूँ। ऐसे थोड़े थोड़े बाल लेकर कंघी कर हाथ में लेकर सीधे काटती हूँ। अभी दूसरे शॉट में आपको पूरे क्लियर ही देखने को मिलेंगे। ऐसा हो गया था फ्रेंड्स, ये काम करते करते वक्त आ गई और मुझे कैमरा अच्छे से सेट करने का मौका ही नहीं मिला। जैसा था वैसा मैंने बटन ऑन कर दिया। अब सभी बाल ऐसे धीरे धीरे करके काटती हूँ, थोड़े थोड़े लेके, क्योंकि जब भी हम मल्टी लेयर कट करते हैं ना, तो बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं। बहुत सारी लेयर भी आने को होना और बाल ज़्यादा कटने को भी नहीं होना, क्योंकि कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा हमको करके देना पड़ता है। इस कस्टमर को लॉन्ग बाल पर हेयर कट चाहिए थी, इसीलिए मैं इनके हिसाब से लंबे बालों पर मल्टी लेयर कट बना रही हूँ। आप भी ऐसे बनाएंगे, आपका पार्लर होगा तो ये अच्छे से बन जाएगी। पर लेयर कट, मल्टी लेयर कट करने के लिए कम से कम आधा घंटे का तो टाइम लगता ही है। ऐसे थोड़े थोड़े करके बाल मैंने ऊपर लेके सीधे ऐसे कंघी में लेके आड़े ऊपर लेके सब नीचे की एक लेयर काट ली है पहले, क्योंकि जब हम मिक्स लेयर कट करते हैं तो कैसे भी लेके फास्ट में काट लेते हैं, पर मल्टी लेयर कट करने के वक्त
पहले मैं नीचे एक लेयर डाल देती हूँ ऊपर ऐसे बाल करके, फिर बाद में थोड़े थोड़े बाल ऊपर के काटती हूँ। आपको अभी ध्यान में ही आएगा पूरी कटिंग देखेंगे तो, आगे पूरा आप वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी कटिंग ये समझ में आसानी से आ जाएगी, क्योंकि मैं एक जगह कैमरा सेट करके आपको पूरी कटिंग दिखाती हूँ, कुछ काट छाट नहीं करती, कटिंग होने तक कैमरा ऑन ही रहता है। इनके बाल बहुत ही पतले हैं, पर मैं इसीलिए धीरे धीरे काट कर इनके बालों पर बहुत अच्छी कटिंग बनाऊंगी, क्योंकि एक कस्टमर मेरा 10 साल पुराना है और हमेशा मेरे पास ही कटिंग करने के लिए आती है, क्योंकि इनको मेरे हाथ की कटिंग बहुत अच्छी लगती है। अभी देखो फ्रेंड्स हम कैसे काट रहे हैं, आप भी वैसे ही बाल काटना, एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ऐसे धीरे से ऊपर करके ऐसे सीधे हाथ में लेके काटना, पर बाल काटते वक्त थोड़ा आड़े करके कंघी में लेकर सीधे ऊपर ले जाकर फिर सीधे काटने पड़ते हैं। अभी मैं कंघी करके देख रही हूँ कुछ रह गया हो तो, अभी ऊपर की लेयर ले रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे बाल काट रही हूँ ऊपर लेके। मैं बाल अपने हिसाब से काटती हूँ, क्योंकि मुझे 15 साल का अनुभव है, ज़्यादा घने बाल होंगे तो कैसी कटिंग करना, पतले बालों में कैसी कटिंग करना और चेहरे के हिसाब से कैसी कटिंग करना, ये सब मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं इस बिजनेस में अभी नई हूँ, नई हूँ। 15 साल का अनुभव बहुत होता है, उस हिसाब से मैं काम करती हूँ जैसा मुझे आता है। मैं बहुत होशियार तो नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे पार्लर में कस्टमर कटिंग के बहुत आते हैं, शायद उनको पसंद आती होगी तो मैं ऐसी कटिंग करती हूँ, ऐसे ऊपर ले जा जाके ऐसे काटती हूँ। और अभी थोड़ी कंघी कर करके देखूँगी कि कहाँ पे कुछ रह नहीं गया, तो मुझे ख्याल में आ ही जाता है, तो मैं ऐसे बाल जो रह जाते हैं उसको ऐसे ऊपर लेके काट लेती हूँ, इससे बराबर एक के ऊपर एक लेयर गिर ही जाते हैं। आप भी ऐसे ही कटिंग करेंगे तो आपको भी बहुत इजी जाएंगी। पहले तो मुझे नए नए मैं जब पार्लर सीखती थी तो ऐसा लगता था कि ऐसी कटिंग करना बहुत ही कठिन का काम है, बहुत मेहनत वाला है, मुझे समझ में नहीं आएगा, पर पता नहीं मुझे कटिंग करने का बहुत शौक़ है पहले से, तो एक दो बार सीख के ही ख्याल में आ गया है, तब से मैं ऐसे नए नए कटिंग करती हूँ। और मेरे पास पार्लर के बहुत सारे सर्टिफिकेट भी है, कटिंग के सेमिनार भी किए थे, मैं आपको आगे बताऊँगी। फ्रेंड्स आप ऐसे ही हमारे वीडियो तक आगे तक बने रहे तो मैं आपके साथ जो डेली में कस्टमर आते हैं मेरे उनकी कटिंग शेयर करती जाऊंगी, कटिंग मेकअप जो भी हो वो सब शेयर करते जाऊंगी, फेशियल ब्लीच और जो जो नए पार्लर का कोर्स कर रहे हैं उनको बहुत काम आ जाएगा। अभी मैं ज़्यादा तो कस्टमर नहीं ले सकती, कंपटीशन की वजह से ज़्यादा आते ही नहीं, पहले तो मेरा पार्लर बहुत ही चलता था, कस्टमर भी हमको वापस करने पड़ते थे, क्योंकि मुझे अकेले से करने ही नहीं होते थे इतने सारे, तो मैंने इसीलिए यूट्यूब का चैनल खोला है ताकि पार्लर आगे चला नहीं चला किसको पता, बिजनेस का चल ऐसा ही रहता है, अभी चलता है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा लगता है यूट्यूब की वजह से हमें थोड़ा सपोर्ट हो जाए बिजनेस के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अब मैं सब ऊपर ऊपर की लेयर बना रही हूँ, देख रहे हो ना आप, ध्यान से देखिए, हमारी बात पर ध्यान मत दीजिए, कटिंग एकदम ध्यान से देखिए। अब सबसे ऊपर की लेयर बना रही हूँ क्योंकि इनको बहुत ऊपर तक लेयर चाहिए थी
और मुझे ऊपर तक कटिंग करके करते करते अभी इतना वक्त लग गया है। इनके पतले बाल तो है ही, ऊपर से ये बाल बहुत ही स्ट्रेट है, पर स्ट्रेट बाल पे भी मैंने अच्छे से मल्टी लेयर कट बना ही ली है, पर थोड़ा मुझे वक्त लगा है। जैसे मिक्स लेयर कट करते हैं मिक्स स्टेप, वैसे ही ये कट है, पर ये कट थोड़ा ऊपर तक करनी पड़ती है। ये देखो फ्रेंड्स कैसे हमने बाल लिए, आप भी ऐसे ही लेके काटते जाओ ऊपर तक, पर जब हम ऊपर नीचे से ऊपर तक जाए तो आगे की बाल की जो गाइडलाइन रहती है नीचे की, उसके हिसाब से ऊपर ऊपर तक जाना पड़ता है। अभी बीच में दूसरा कस्टमर आ गया है, वो बोल रहा है हमको भी बाल काटने हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ एक घंटे के बाद आना, तो वो बोल रहे अभी काटने हैं हमको, गाँव जाना है। पर मैं तो एक कस्टमर लिया तो बीच में लेती नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से डर लगता है, पूरा सैनिटाइज़र करना पड़ता है। गेट को अभी लॉक लगा रखा है, गेट के बाहर से वो लोग बात कर रहे हैं हमसे कि हमको भी कटिंग करनी है। उनको मैं एक कटिंग होने के बाद एक घंटे में बुलाऊंगी, क्योंकि उनका घर अभी नज़दीक ही है, इसीलिए ऐसे गाइडलाइन लेके नीचे के मैं बाल काटते काटते ऊपर तक आ गई हूँ, अभी ऊपर के बालों तक। जब भी लेयर कट करें तो सबके नीचे की जो गाइडलाइन रहती है बाल की, वो जब हम ऊपर बाल करते हैं तो लास्ट में जो बाल आते हैं उसके साथ ऊपर करके काटनी पड़ती है, तो अच्छे से लेयर कट बन जाती है। आपको आप भी ऐसी कटिंग बनाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। सिर्फ ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और ऐसे ही बना लीजिए, क्योंकि कटिंग करने में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर हम तो आपको बारकाई से सब समझाते हैं, कुछ काट छाट करके नहीं बताते, तो आपके समझ में आ ही जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये कटिंग बनके अभी तैयार हो चुकी है, सिल्की बाल है इसलिए ध्यान में नहीं आ रही है, मैं आगे करके बता रही हूँ कैमरा। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छे से कट गए हैं हमने बाल, आप देख लीजिए ये सिल्की बाल है, एकदम स्ट्रेट बाल है, उस पर भी ये कटिंग अच्छी लग रही है। अब ऐसे ऊपर भी हम बाल बांधेंगे तो भी अच्छी लगेंगी। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी सुंदर कटिंग रे लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको दोपहर में मल्टी लेयर कट सिखाई वो कैसी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताना, आपके साथ जो कटिंग मैंने शेयर की थी वो। फ्रेंड्स मैं उसी वक्त आपके साथ बात करना चाहती थी, पर मैं अभी नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि उस वक्त जब कस्टमर आ गए थे तो मैंने बाल भी नहीं बनाए थे, क्योंकि दोपहर तक काम चलता है घर का, उसके बाद कोई भी बीच में कस्टमर आया तो हम नहीं नहीं बोल सकते, क्योंकि 12 से 8 बजे तक शाम का मेरा पार्लर का टाइमिंग है इसलिए। तो अभी तो मैं कटिंग कर रही हूँ, जब भी मैं आपके साथ नए नए पार्लर में कस्टमर आएंगे तो आपके साथ कटिंग मेकअप सब शेयर करूंगी, जो यहाँ पर डायरेक्ट करती हूँ वो कैमरे में मैं कस्टमर को पूछ के आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज प्लीज हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और हमें कमेंट करें। तो बाय एंड टेक केयर।